कौन कहता है कि 5 से 7 लाख रुपए के अंदर एक जबरदस्त गाड़ी नहीं मिल सकती? कौन कहता है कि 7 लाख रुपए के अंदर एक एसयूवी या 7 सीटर कार नहीं मिल सकती या फिर एक फैमिली कार नहीं मिल सकती? ये वही लोग बोलते हैं जिनको माइलेज के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। भाई सच्चे दिल से चाहो तो क्या नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने सच्चे दिल और दिमाग से 5 से 7 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के अंदर 5 ऐसी कार्स को आपके लिए खोज निकाला है जिनको देखकर आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों मैं हूं आकाश और मैं सबसे पहले अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं मेरी पिछली दोनों कार्स की वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करो यार और जुड़ जाओ हमारी YouTube फैमिली के साथ। इस चैनल पर हमेशा आपको एकदम हटके कंटेंट मिलेगा। 7 लाख रुपए के अंदर कार खरीदने हो तो ज्यादातर लोगों के मन में वही गिनी चुनी कार सी आती हैं जो शायद अभी आपके मन में भी आ रही होंगी, और वो कार्स आपको इजीली रोड पर देखने के लिए भी मिल जाएंगी। लोग इन कार से ऊपर उठ के सोचते ही नहीं है, बस वही 2-4 गाड़ियों में से किसी एक को घर ले आते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और 7 लाख रुपए के अंदर भी ऐसी जबरदस्त कार्स अवेलेबल है जो आपको पूरा मजा देंगी। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने मुझे 10 मिनट देंगे और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। मैं आपको इन टॉप 5 कार्स की सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा, जैसे आपको कौन सा वेरिएंट बाय करना चाहिए, आफ्टर मार्केट आपको काम कराना चाहिए या नहीं, और फिर भी कोई सवाल रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाए, बस अपने सवाल पूछिए और आंसर देने की जिम्मेदारी मेरी। तो अब शुरू करते हैं अपनी असली वीडियो और जानते हैं 7 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के अंदर आने वाली 5 सबसे जबरदस्त कार्स के बारे में। तो नंबर 5 पे शुरुआत करते हैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से जो है ज़ेनो की काइगर। चौंक गए ना भाई, ज़ेनो ने काइगर को लॉन्च करके कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बहुत तगड़ा कंपटीशन खड़ा कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस गाड़ी की प्राइस। जिस प्राइस पे आपको वैगनआर, स्विफ्ट जैसी कार्स मिलती हैं, उसी प्राइस पे कॉम्पैक्ट एसयूवी और वो भी एकदम शानदार लुक्स और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो खलबली तो मचनी थी। 7 लाख रुपए ऑन रोड के अंदर आपको काइगर का बेस वेरियंट RXE मिल जाता है जो आपको लगभग 6,25,000 रुपए का ऑन रोड दिल्ली का मिलता है। बेस मॉडल में आपको रियर पावर विंडोज, रिमोट सेंटर लॉकिंग और म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, बट इसमें आप शोरूम या किसी अच्छी शॉप से आफ्टर मार्केट एक्सेसरी आ सकते हो और इसको 7 लाख के अंदर आराम से एकदम फीचर लोडेड कार बना सकते हो। या फिर इसका आप RXL वेरिएंट भी चेकआउट कर सकते हैं जो लगभग 7,40,000 रुपए ऑन रोड का आता है, जिसमें आपको जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि 4 पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम, रिमोट सेंटर लॉकिंग, तो चॉइस आपकी है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 999cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो देखा जाए कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से कम है, बट आपका काम पूरा कर देता है। डेली यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट किसी ज्यादा चढ़ाई वाली जगह या फिर ऑफ रोडिंग के टाइम थोड़ी बहुत पावर की कमी जरूर महसूस हो, बट इस प्राइस पे कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा। तो काइगर की एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। अब बात करते हैं मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आने वाली एक हैचबैक की जो है टाटा की टियागो। भाई टियागो की तो क्या ही बात करें, इसकी सेल बढ़ती ही जा रही है और लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं। और इसका रीजन ये है कि टियागो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है। 7 लाख के अंदर आपको इसका टॉप मॉडल को छोड़कर लगभग सभी मॉडल्स मिल जाते हैं। इसका बेस मॉडल 5,60,000 रुपए ऑन रोड से शुरू हो जाता है। इसका XT और XZ दोनों ही मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। XT मॉडल आपको 6,30,000 रुपए ऑन रोड का मिलता है, जिसमें 4 पावर विंडोज, हरमन का साउंड सिस्टम, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है आपको। अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो वो भी 7,05,000 रुपए ऑन रोड प्राइस में मिल जाता है। मतलब टियागो एक मिडिल क्लास फैमिली की सारी जरूरत पूरी कर देती है, वो भी 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी 170mm का है और माइलेज भी अच्छा निकाल के देती है। आप 13 से 15 सिटी में और 16 से 18 KMPL का माइलेज हाईवे पर आराम से अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको 6.5 से 7 लाख रुपए के अंदर एक फीचर पैक्ड सेफ हैचबैक चाहिए तो जल्दी टियागो की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। अब मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आती है एक 7 सीटर कार। अगर आप मेरी तरह कार्स के शौकीन हैं तो आप आसानी से गैस कर दोगे, तो वो 7 सीटर कार है ज़ेनो की ट्राइबर। भाई ज़ेनो ने तो कमाल ही कर दिया ट्राइबर को लॉन्च करके। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 7 सीटर कार खरीदने का सपना अब आराम से हकीकत बन सकता है। 7 लाख के अंदर आपको इसके 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, RXE और RXL। और मेरे हिसाब से इसका RXL सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो आपको लगभग 6,98,000 ऑन रोड दिल्ली का मिल जाता है। इसमें आपको जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे 4 पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम, रिमोट सेंटर लॉकिंग, और अब क्या ही चाहिए इस प्राइस पे। बस एक चीज जहां पर आप ट्राइबर को लेने से पहले थोड़ा सा सोचोगे वो है इसका इंजन। इसमें आपको केवल 999cc का ही इंजन मिलता है जो
सेवन सीटर गाड़ी के हिसाब से थोड़ा कम है, बट डेली यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, हिली एरियाज में या ज्यादा चढ़ाई वाली जगह पे आप बोलोगे कि थोड़ा पावर और होता तो मजा आ जाता। ये कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और इसके फीचर्स और प्राइस देखकर ज्यादा कंप्लेंट करने का मन नहीं करता। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो एक 5 सीटर कार लेने से पहले ड्राइवर की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा। अब मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आती है इंडिया की सबसे ज्यादा सेफ हैचबैक टाटा एल्ट्रोज। भाई कुछ भी कह लो, एल्ट्रोज ने बहुत कम टाइम में हैचबैक सेगमेंट में बढ़िया दबदबा बना लिया है। एग्रेसिव लुक्स, बेस्ट इन क्लास इंटीरियर, सुपीरियर कंफर्ट और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग एल्ट्रोज को सबसे खास बनाती है। 7 लाख के अंदर आपको इसके 2 वेरिएंट एक्सी और एक्सी रिदम पैक के साथ मिल जाता है, बट मेरे हिसाब से इसका एक्सी रिदम मॉडल सबसे बेस्ट है, जो आपको लगभग 6,65,000 रुपए ऑन रोड डेली का मिलता है। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम, फ्रंट पावर विंडोज, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। अगर आपको रियर पावर विंडोज भी चाहिए तो आप शोरूम या फिर आफ्टर मार्केट आराम से फिट करवा सकते हैं। ये वेरियंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 7 लाख से भी नीचे आपको एल्ट्रोज जैसी सेफ कार मिल रही है। एल्ट्रोज हाईवे पर एकदम चिपक कर चलती है और जब आप इसे चलाओगे तो फील होगा कि आप एक सेफ कार को ड्राइव कर रहे हो। 1199 सीसी का इंजन आपको 13-15 KMPL का माइलेज सिटी में और 16-18 KMPL का माइलेज आपको हाईवे पर आराम से दे देता है। तो अगर सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और आपको एक एग्रेसिव लुक्स के साथ कंफर्टेबल और सेफ हैचबैक चाहिए तो एल्ट्रोज बेस्ट है आपके लिए। अब बारी है नंबर 1 कार की, बट उससे पहले अगर आपको यहां तक की कार्स अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वीडियो मिस करें और गलत कार बाई कर लें। तो 7 लाख के अंदर मेरी लिस्ट में नंबर 1 कार है एक कॉम्पैक्ट SUV निसान मैग्नाइट। भाई SUV चलाने की तो बात ही अलग है, और वो अगर 7 लाख के अंदर मिल जाए वो भी अमेजिंग फीचर्स के साथ तो फिर कहना ही क्या। आप ही सोचो अगर कोई स्विफ्ट लेने जाए और मैग्नाइट जैसी कॉम्पैक्ट SUV लेके आ जाए तो कैसा रहेगा। भाई हर दूसरा आदमी पूछेगा कि कौन सी कार है, कितने के लिए महंगी कार होगी। 7 लाख के अंदर आपको मैग्नाइट का XE और XL दोनों वेरियंट मिल जाते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग XL जबरदस्त और वैल्यू फॉर मनी पैकेज है आपके लिए, जो 7,13,000 रुपए ऑन रोड डेली का मिलता है। भले ये 13,000 रुपए महंगा है, जब बात लाखों की हो तो इतना डिफरेंस तो चलता है। इसमें आपको जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम, रिमोट इंटरलॉकिंग, 4 पावर विंडोज। भाई मैग्नाइट देखने में क्या लगती है, शायद ही कोई होगा जो इसको एक बार मुड़कर नहीं देखेगा। और कमाल तो तब हो गया जब टेस्ट में मैग्नाइट ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की। एक ही चीज जो आपका मैग्नाइट लेने का मन थोड़ा सा बिगाड़ सकती है वो है इसका 999 सीसी का इंजन। हाई इसमें अगर कंपनी 1200 सीसी का इंजन दे देती तो और भी मजा आ जाता, बट इंजन की ट्यूनिंग अच्छी है और डेली यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसको एकदम प्योर SUV की तरह यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा फर्क पता चलेगा, बट ओवरऑल आपको इस इंजन से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैग्नाइट की वेटिंग थोड़ी ज्यादा है तो आप अपने एरिया के निसान शोरूम से गाड़ी की वेटिंग पीरियड जरूर पता कर लेना। तो अगर आपको 7 लाख रुपए के अंदर एक कॉम्पैक्ट SUV चाहिए वो भी सभी फीचर्स के साथ, तो बस कल ही निसान मैग्नाइट के टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा। अगर आपको ये टॉप 5 कार्स अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि और भी जबरदस्त वीडियो आने वाली है CNG कार्स के बारे में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।